इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है? इंटरनल डेमोक्रेसी, अगर हम इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया एक आइडिया कि परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाए पार्टी का। अरे पार्टी है, परमानेंट प्रेसिडेंट कैसे बना दोगे? फिर से वही मोनार्की ले आ रहे हो क्या? द पार्टी रिपोर्टेडली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम इन 2020। लाइफ टाइम प्रेसिडेंट कैसे कोई किसी को बना दोगे? देयर इज मेरिट इन एसआई व्यू एंड इंसिस्टेंस ऑन इंटरनल डेमोक्रेसी। मैंने कहा इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में मेंटेन करो यार, हर 5 साल पे इलेक्शन, एक आदमी को इलेक्शन का वो दो, क्योंकि मतलब कोई जवाबदेह ही नहीं रहते, रजवाड़ा बना रहे हैं उसको। एनी पार्टी दैट पार्टिसिपेट्स इन डेमोक्रेसी प्रोसेस एंड वांट्स टू गवर्न एंड लेजिस्लेट शुड इंक्लूड नॉर्मल एंड पीरियोडिक इलेक्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स एज पार्ट ऑफ द वे इट फंक्शंस एज एसोसिएशन। तो मतलब आपको अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हो और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप आते हो, तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा। ये अभी कुछ दिन पहले ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मुद्दा भी रेज हुआ था यूके में, बोरिस जॉनसन वाले मामले में आया था कि इनर पार्टी वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, इसमें बहुत सारा कंपैरिजन हुआ था इंडिया के साथ। तो इंडिया में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर ऑब्जर्व करता है या यूज करता है, बराबर। और उसके बाद इनफैक्ट वीप वाला जो केस था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, जब स्प्लिट करने की बात आई किसी पार्टी को, इनफैक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ और ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी थोड़ी कमजोर रही है भारत में। इनफैक्ट यूके में भी इसी तरह से है कि वहां भी इनर पार्टी डेमोक्रेसी कमजोर रही है। तो हमें अपने लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, खास करके एंटी डिफेक्शन लॉ को और इनफैक्ट डिप ब्लॉक और इन सब चीजों को हमें मॉडिफाई करना चाहिए ताकि प्रॉपर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सके। अब ये देखिए, यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मेरिट एंड सच भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर काडर बेस्ड एकदम ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम बेस्ड, वहाँ पे सही इलेक्शन वगैरह होता है। उधर कांग्रेस पार्टी है जो कि बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के इंडिविजुअल्स कलेक्टेड होते हैं और वो एक साथ मिल करके एक बंदे को चुन करके वहाँ उसमें करते हैं, लेकिन इसमें जो फैमिली वाला सिस्टम आ गया था उसकी वजह से ये थोड़ा सा डाइस हो गया। इंक्रीजिंगली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटिकाइज फेडरलाइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम हैज आल्सो गिवन वे टू द डोमिनेशन बाय कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल्स और देयर फैमिली। कोई कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल उसके आसपास पार्टी खड़ी हो जाती है या कोई फैमिली है उसके आसपास पार्टी खड़ी हो जाती है। ये मेनली होता है फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को लेकर के, एक हाथ में फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी और लोगों का वो रहेगा, ठीक है। This is why several political parties today do not insist on thoroughgoing internal elections to secure leadership. Even if they do not conduct polls, they lack sufficient contestation and are done to reaffirm the dominance of the high command. In some cases with electoral, जैसे कांग्रेस का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, डायरेक्टली वहां पर हाई कमान, वही दो ही लोग हो सकते हैं, माँ बेटा या माँ बेटी या ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसको चेंज करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पीरियोडिकली यूज्ड गाइडलाइंस इशूड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आरपी एक्ट 1951 टू रिमाइंड पार्टीज टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड टू इंश्योर दैट देयर लीडरशिप इज रिन्यूड, चेंज्ड और रीइलेक्टेड एवरी 5 ईयर। इस चीज को लेकर सेक्शन 29A को अक्सर यूज करता है इलेक्शन कमीशन। बट द कमीशन डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी पावर टू एनफोर्स इंटरनल। तो कोई ये स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है इसके पीछे, जिसकी वजह से क्या है कि ये ऐसे ही चलता रहता है। However, with dynasticism and lack of internal democracy becoming a major of political debate, perhaps public pressure would finally, अभी कांग्रेस इस चीज से बहुत ज्यादा सफर कर रही है, आप देख पा रहे हो कि कांग्रेस में ये डिबेट बहुत हाई है डायनेस्टिज्म और इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर। इसी तरह का एक प्रॉब्लम हमारे स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट में हमने एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया था, उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें रेगुलर इलेक्शन और ये सारी चीजों की बात होती है, तो लोगों ने अपनी बपौती बना रखी है। अभी एक लेटेस्ट है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन जो है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट जो है अनिल खन्ना, वो रिजाइन कर दिए और एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही हैड अज्यूम द चार्ज आफ्टर नरेंद्र बत्रा वॉज फोर्स टू क्विट। तो ये वहां पर जो पॉलिटिक्स चलती है उसकी वजह से स्पोर्ट बहुत हैम्पर होता है। The International Olympic Committee has made it clear that it would not recognize any acting or interim president of Indian Olympic Association. उन्होंने कहा कि ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो साफ साफ कहती है इट इज नॉट प्लीज दैट द लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शंस ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज बीन हेल्ड। तो ऐसे ही आपने देखा अभी इनफैक्ट फुटबॉल में आया, फीफा में आया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखो ना, अब केरला से एक टीम गई थी, गोकुलम केरला फुटबॉल टीम, ये टीम गई थी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टेक पार्ट इन एएफसी वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप। उसमें क्या हुआ, उनको लौटना पड़ गया, क्यों, क्योंकि फीफा ने बैन लगा दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर इसी मुद्दे पर कि यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को लेकर के। द बैन हैज सिंस बीन लिफ्टेड एंड द एआईएफएफ हैज कंडक्टेड इट्स इलेक्शन, बट देयर आर अदर स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड टेबल टेनिस दैट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। Reluctance of the officials across sports bodies to accept the National Sports Development Code of India. वो क्यों इसको करते हैं? It is intention was noble by putting a limit to the tenure and age of the administrator. It had potential to stop sports federation from becoming the fiefdom of some. तो इसमें क्या है कि sports federation में proper elections नहीं होंगे, proper tenure नहीं रहेगा, तो वो problems create होंगी। इसी की वजह से हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स में, अभी हमारा इंडियन स्पोर्ट्स राइज पर है, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा शो किया है वर्ल्ड ओवर, तो ऐसे टाइम में इस तरह के पॉलिटिकल खेल जो है ना पूरे स्पोर्ट्स के मतलब एनर्जी को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में हमें इसको जल्दी से जल्दी इन दोनों इश्यूज को संभालना होगा, एक तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी लाना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कुछ काम करे और पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ बनाए, और दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स कोड को अच्छे से लागू किया जाए, प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए ताकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। एनालाइजिंग द किर्गिस्तान तजाकिस्तान कंफ्लिक्ट, किर्गिस्तान तजाकिस्तान कई दिन से आपस में कंफ्लिक्ट में है। वहां पर जो 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है वो 1000 किलोमीटर का बॉर्डर ऑलमोस्ट डिस्प्यूटेड है। द टू लैंड ऑफ कंट्रीज शेयर 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, अ लार्ज पार्ट ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड, बहुत सारा उसमें पार्ट डिस्प्यूटेड है। इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ राइज की है, 150,000 लोग वहां से बेघर हो गए हैं। इनफैक्ट पॉपुलेशन ही 550,000 की, उसमें से 150,000 लोग बेघर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं रिलोकेशन वहां हुआ है, तो वो बहुत बड़ा बवाल हुआ है। क्लैश क्यों हुआ था, अब असल में इसको क्लैश को समझो, ये क्लैश हो रहा है। इनफैक्ट जब ये यूएसएसआर से ब्रेकअप करके बाहर निकले तब से इनमें जो डिवीजन हुआ प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का डिवीजन नहीं हुआ, कौन सा रिसोर्स किसके पास जाएगा इसको लेकर के नहीं हुआ, खास करके इनके मवेशियों का, इनके कैटल का, तो कैटल और पास्चर लैंड को लेकर के ज्यादा बवाल होता है क्योंकि पास्चर लैंड वहां पर ठीक से डिमार्केटेड नहीं है, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए जिसकी वजह से उनको ज्यादा किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में आपस में कंफ्लिक्ट रहता है लाइव स्टॉक को लेकर के। फिर क्या हुआ, दूसरा इनका कारण है कि एनवायरमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कंफ्लिक्ट कैन बी फर्दर हाईलाइटेड। अभी रिसेंट क्या हुआ, which saw a group from either side planting trees in disputed areas and engaging in physical confrontation using agricultural equipment as weapon. तो अपने वही कुदाल फावड़ा ये सब लेकर के आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे वहाँ पर। फरगाना वैली continues to be a site of struggle and frequent violent outbursts with the location consisting primarily Tajiks, Kyrgyz and Uzbeks who have historically shared common sociological specificities, economic activities and तो इसमें क्या हुआ कि उस लैंड को लेकर के लड़ाई हुई और वो लड़ाई बढ़ती चली गई और इनफैक्ट वो कम्युनल वायलेंस का रूप ले ली है और इन कम्युनल वायलेंस अक्रॉस द कंट्री हो रहा है, तो मतलब दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बवाल बड़ा हो गया, उनको अपने बॉर्डर्स को रिजॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी। द केस ऑफ निकाह हलाला, निकाह हलाला ये अजीब सा निकाह होता है जिसको तहलील मैरिज भी कहा जाता है, निकाह हलाला। अब ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है ये, क्या होता है निकाह हलाला में कि ट्रिपल तलाक अगर किसी को मिल गया तो मान लो कि हस्बैंड गुस्से में ट्रिपल तलाक दे दिया और उसको बाद में समझ में आया कि नहीं हमें फिर से शादी करनी है, तो ट्रिपल तलाक के बाद उसको फिर से शादी करने के लिए उसको क्या करना होगा कि अब ये शादी तभी हो सकती है, मतलब दो बार का चांस मिलता है कि दो बार इस तरह से ट्रिपल तलाक दे सकता है, अब दो बार तो तलाक दे दिया, अब तीसरी बार वो तलाक मतलब वापस नहीं हो सकता, अब क्या करना होगा उस लेडी को, उस वुमेन को किसी और के साथ पहले शादी करनी पड़ेगी और शादी करने के तुरंत बाद निकाह हलाला करना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि शादी करने के बाद उनको कंज्यूमेट करना पड़ेगा, मैरिज कंज्यूमेट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से एक्स हस्बैंड के साथ वो आके रह सकती है, फिर उनसे शादी कर सकती है, मतलब बीच में एक शादी होनी चाहिए उसके बाद ही ये शादी मानी जाएगी, इसको कहा जाता है निकाह हलाला, जिसको तहलील मैरिज भी कहा जाता है। और which a woman after being divorced by triple talaq marries another man, consummates the marriage and gets divorced again, and in order to
रीमैरी द फर्स्ट हस्बैंड। तो इसको लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है कोर्ट में। एक समीमा परवीन थी, समीमा बेगम दिल्ली की वह है, उन्होंने इसको इस केस को फाइल किया है 2018 में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसमें क्या है कि समीमा बेगम फाइल FPIL सीकिंग द एनलमेंट ऑफ हलाला मैरिज एंड पॉलीगमी। उन्होंने कहा कि ये जो हलाला मैरिज है, दिस इज नॉट लेस देन रेप, एक तरह से रेप करवाया जा रहा है हमारा। तो वुमेन के राइट्स को लेकर के ये बहुत देखो, कुछ कुछ हमारे रिलीजियस लॉज हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, वो बहुत आउटडेटेड हैं और वो किसी कारण से कभी बने तो उनको चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। इनफैक्ट हम एक बवाल और भी देखेंगे अभी आगे चल के, जो हिजब वाला रोल लेकर के है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। किस तरह से अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये अलग अलग तरीके से पेश आ रहे हैं लोग इस पर अपने अपने फायदे के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ज्यादा दमन झेलना पड़ता है। She requested the court that section 2 of the Muslim Personal Law, that is Shariat Application Act 1937, be declared arbitrary and in violation of Article 14, 15, 21 and 25 of the Constitution. She has also requested the court to ensure that provisions of Indian Penal Code 1860 apply to all Indian citizens. She contended that Nikah Halala is a rape under IPC Section 375. She was not alone in this. Even Farzana Parveen, jinki shadi Abdul Qadir se hui thi, उनके साथ भी सेम कहानी हुई। उनको किसी एक दूसरे से शादी करवाया गया और शादी के बाद, मतलब शादी के बाद, शादी का मतलब ये नहीं होता कि मतलब सिर्फ शादी करवा दिया गया, शादी में वहां पर कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो मैरिज कंज्यूमेट हुआ, उसके नेक्स्ट डे फिर से उनको अगले ने तलाक दिया, फिर आके वो अपने पहले हस्बैंड के साथ रह सकती है बहुत इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से ये कई बार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मैरिज को कंटिन्यू कर पाना। द कुरान ऑल्सो अलाउज अ मैन टू डिवोर्स हिज वाइफ अ मैक्सिमम ऑफ टू टाइम्स ऑन बोथ द ओकेजंस सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज, अब मान लो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले अगर मैरिज कंज्यूमेट हो जाता है तब तो मैरिज में रिटर्न मान लिया जाता है, लेकिन अगर मतलब फिर से कंज्यूमेशन नहीं होता है, सेक्स नहीं होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट तलाक मान लिया जाता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको हटाया गया हमारे देश में, इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन कुरान, इज अलाउड टू कैंसिल दिस डिवोर्स इफ द स्पाउस फेल्स टू रिज्यूम कोहैबिटेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे आर अलाउड टू रीमैरी विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। लेकिन अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पार हो जाता है, दोबारा तलाक होता है, उसके बाद फिर से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पार हो जाता है, तब उसको हलाला करना पड़ेगा। The way the Quran speaks of it empowers women to take independent decision. It says women found temperamental husband. दो बार इस तरह से किसी ने कर दिया, उससे बचाने के लिए कुरान में ये प्रोविजन दिया गया था, लेकिन उसका भी काट लोगों ने निकाल लिया। Often a man pronounces triple talaq in a fit of anger. गुस्सा आया, triple talaq दे दिया. And little later he realizes his mistakes and approaches the Maulana, who often tells him that he has exhausted all the chances of divorce. His erstwhile wife is now prohibited to him for reconciliation. Unless she marries another man and he either divorces her or dies. अगर वो मर गया या उसने डाइवोर्स दे दिया तभी आपसे ये शादी की दोबारा कर सकती है। For the purpose of going back to the erstwhile husband, sham marriages are enacted wherein a woman marries another man with a pre-decided date and time of divorce. The nikah is conducted with the understanding that the divorce shall be taking place next day after consummation of marriage. Usually nikah halala stems from instant triple talaq and ends with it. Is nikah halala prevalent across the globe? In Saudi Arabia, where divorces are on the rise, no case of halala has been reported. No case has been reported from UAE, Kuwait, Yemen either. In India, the Muslim women protection of rights on marriage passed after invalidation of triple talaq by Supreme Court is silent on nikah halala. Nikah halala ke bare mein bhi kuch nahi kaha gaya us samay triple talaq wale case mein bhi. The act made instant triple talaq a criminal offense, but steered clear of halala, which takes place as a consequence of triple talaq. If the first husband is punished for giving her instant triple talaq, the second for doing likewise to facilitate her return to her former husband, where does that leave the woman? Ab women kahan jayegi jab is tarah se? To law kahin na kahin thoda sa dicey ho gaya hai. Isko pura complete karne ke liye abhi aur chinta ki zarurat hai aur soch ki zarurat hai. Acha, F-16 wala mamla hum log kai din se discuss kar rahe the na ki F-16 Pakistan ko diya gaya America ne. Class mein is baat ke bare mein humne baat bhi kiya tha ki ये ऐसा देना था, ये रेगुलर इनका वो था। इनफैक्ट इंडिया से कंसल्ट करके ही F-16 रिपेयर किया गया और दिया गया। उसका कारण था कि वो पहले की डील थी इन लोगों।
दूसरी न्यूज है लेसेस्टर रॉलिंस, इंडिया ने रेस किया है कि भाई यूके में जो चल रहा है वायलेंस चल रहा है लेसेस्टर में इंडो मुस्लिम, वो उस पर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए, यूके एक्शन ले कुछ ना कुछ जल्दी से ठीक करे इस सिचुएशन को। दूसरा ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के जो सुनवाई चल रही है, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट रोज नई नई बातें निकाल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे क्वेश्चन द लॉजिक बिहाइंड कोटा। उन्होंने कहा कि इस कोटे के पीछे लॉजिक क्या है भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपने कहा, लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है खास करके एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी से, उनको आप इसमें से बाहर कर दे रहे हो। मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड अदर वर्किंग क्लासेस आर शट आउट फ्रॉम दिस 10% डेटा। तो आपका ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह से जेन्युइन है ये हमको आप प्रूव करो। द गवर्नमेंट जस्टिफाइज द डिबारमेंट ऑफ दिस कंपनी बाय अर्गुइंग दैट दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ 50% कोटा। तो उनका वो 50% कोटा के हैं, तो अब ये कह रहा है कि 40% सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 40% ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उनमें सबसे ज्यादा गरीब है। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे आर एक्सेसिव द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री बट देयर ओवरऑल रिजर्वेशन इज ओनली 7.5%। आप उनको कह रहे हो कि नहीं आप 50% में शामिल हो इसलिए आपको नहीं दिया जा सकता। इट इज गुड आइडिया फॉर द रेगुलेटरी कंस्टिट्यूशन टू से यस यू आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बट सॉरी वी हैव एग्जॉस्टेड आवर कोटा, हमारा कोटा 50% का था वो खत्म हो गया इसलिए तुमको नहीं दिया जा सकता, पर बल्कि तुम गरीब हो कोई बात नहीं, गरीब हो हम एक्सेप्ट करते हैं। द कोर्ट सेड दैट द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वाज नेबुलस बिकॉज नाउ सोशल बैकवर्डनेस कैन बी इजीली डिसर्न फ्रॉम lineage, caste, creed, occupation and from where people have come from. There is element of permanency in social backwardness, but कहीं ना कहीं उसमें economic backwardness को आप permanent नहीं कह सकते, वो तो कभी भी change हो सकता है, एक lottery का ticket जीत गया और आपका वो change हो गया। Mr. Mehta countered that there was जो solicitor general है sorry justice sorry solicitor general Mehta कह रहे हैं कि he countered that there was a certain element of flexibility attached to social and educational backwardness. A community which is socially backward today may not be so 10 years from now. We are good. He said that the 103rd amendment had strengthened the basic structure of the constitution. So, अभी देखो ये बवाल चल रहा है, बवाल आगे बढ़ेगा। वाराणसी कोर्ट इश्यूज नोटिस टू मस्जिद पैनल टू प्ली फॉर कार्बन डेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर वाराणसी के एक लोकल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा कि कुछ हिंदू वर्शिपर्स चाह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग से टेस्ट किया जाए कि इसका जो स्टोन है वो कब के हैं क्या है, तो कार्बन डेटिंग मेथड यूज करने की बात कह रहे हैं। उसका नोटिस उन्होंने दिया है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को जो कि देख रेख करती है ज्ञानवापी मस्जिद। ऑन थर्सडे व्हाइल एडमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर कार्बन डेटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर द कोर्ट आल्सो डिसमिस्ड द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पैनल सीकिंग 8 weeks टाइम टू अपील अगेंस्ट द सितंबर 12 ऑर्डर। व्हाइल हियरिंग द एप्लीकेशन फॉर कार्बन डेटिंग द स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन द कोर्ट सॉट द मस्जिद पैनल्स ऑब्जेक्शन टू इट and posted the matter for September 29 को फिर से हियरिंग होगी। अच्छा, local toys to promote learning in Anganwadi, the center has compiled a state wise national repository of indigenous toys. अब हमारे local toys को बढ़ावा देने के लिए आपको कहा ना toy industry को लेकर के, ये चाइना के import substitution की तरह काम करेगा एक तो, और हमारे local craftsmen को बढ़ावा देगा। It is using these local indigenous toys in Anganwadi centers for creating awareness and educating children and their families about healthy living and good nutritional practices. इसके लिए चॉइस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये न्यूज है, छोटे छोटे न्यूज है। कुछ कंपनी सेलिंग ह्यूमन मिल्क आइटम लूजेस लाइसेंस। एक कंपनी थी जिसका नाम था न्योलैक्टा, न्योलैक्टा यूके की कंपनी है, उसका एक सब्सिडियरी इंडिया में काम करती है। वो ह्यूमन मिल्क को, क्योंकि बच्चे जहां पर कई जगह पर ऐसे है बच्चे बच्चे की माँ जो है वो दूध नहीं पिला सकती बच्चे को, तो ऐसे में ये न्योलैक्टा कहता है कि हम आपको क्या कहते हैं पाश्चराइज ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के टैग में दे रहा था ये, इसकी वजह से ये मेनली क्वेश्चन किया गया है। ह्यूमन मिल्क पाउडर अंडर ब्रांड नेम न्योलैक्टा 70 एंड न्योलैक्टा 70 प्राइम द थ्री प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एज अल्टरनेटिव व्हेन मदर्स मिल्क इज नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए इसको नारी शीरा के नाम से इसको दिया जा रहा था, नारी शीरा। और ब्रेस्ट मिल्क डज नॉट कम अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइदर ड्रग और आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी मेडिसिन। तो इसके हिसाब से आप कौन से लॉजिक से इसको बेच रहे थे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अगेंस्ट ये था, इसलिए इसके ऊपर रोक लगा दिया। न्योलैक्टा ने कहा कि हम इसके कोर्ट में जाएंगे, हम इस पर हायर जुडिशरी से हेल्प मांगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट साइन 1700 करोड़ डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल नेवी में इंडक्ट करने के लिए इतनी बड़ी डील कर दी है। ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर बिटवीन द डीआरडीओ एंड रशिया एनपीओ मशियन तोरनियानिया, ये जो कंपनी है
ये और डीआरडीओ दोनों मिलकर के ब्रह्मोस को बनाया। ब्रह्मोस अब बहुत हॉट सेलिंग केक हो गया है, हर जगह इसकी इनफैक्ट डिमांड है। ब्रह्मोस का नाम पड़ा था ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रिवर पर। मोस्कवा रिवर रशिया की है और ब्रह्मपुत्र इंडिया की है, दोनों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक साथ मिलकर के इसको मैन्युफैक्चर किया है। और ये बहुत बहुत बढ़िया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि लैंड से, सी से और एयर से भी उसको छोड़ा जा सकता है। एनसीसी एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम दे साइन एमओयू ऑन टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने एमओयू साइन किया है, टू टैकल द इश्यू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड अचीव द यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज थ्रू पुनीत सागर अभियान। इसका नाम क्या है? पुनीत सागर अभियान एंड टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंजिंग प्रोग्राम। इट वॉज साइन बिटवीन डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एंड विशो परजौली, रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन द प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह। द एम इज टू सिनर्जाइज एंड कोलैट एफर्ट्स टुवर्ड्स एंगेजिंग यूथ फॉर प्रमोटिंग क्लीन वाटर बॉडीज। अ फॉर्मर जज टास्क्ड विद अमेंडिंग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन, द जज ऑन थर्सडे असाइंड इट्स फॉर्मर जज जस्टिस एल नागेश्वर राव द टास्क टू हेड एन एफर्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रिपेयर अ रोड मैप टू इलेक्शंस। The order came amid India run up to the national games scheduled in Gujarat. A bench urged Justice Rao to take up the assignment and ensure a fair approach for the future Olympic sports in the country. The International Olympic Committee on September 8 had issued a final warning to Indian Olympic Association to resolve the governance issue. उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आप इसको कर लो वरना हम बैन कर देंगे, आपको बैन कर दोगे तो कहीं नहीं खेल पाओगे। सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व द लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिजॉल्व टू लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच शेयरिंग। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच शेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उनको कहते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर बातचीत हो रही होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का साइज होता है 5 जजेस का बेंच होना चाहिए, 5, 7, 9, 11 ऐसे जजेस के बेंच होते हैं इसमें, ठीक है। इसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया है। Lancet panel criticizes WHO for acting too slowly during pandemic. Pandemic के time में WHO ने जिस lackluster approach से काम किया उसको, इस report को बहुत लोगों ने highlight किया, US ने भी highlight किया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में Lancet panel ने इसको भी, उसने भी research करके इसको accept किया कि हाँ वहाँ पे lackluster approach था। अच्छा, Russian invasion has cost Ukraine 1 trillion in damage। यानी यूक्रेन तो चलो ठीक है कि वॉर तो बंद होगा, आज नहीं बंद होगा, कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, एक साल बाद बंद हो जाएगा, लेकिन जो डैमेज हुआ है 1 trillion, ये कैसे रिकंस्ट्रक्ट होगा, एक नेशन फिर से कैसे खड़ा होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ग्रीस मार्जिनाइजिंग गेज रोमा एंड माइग्रेंट सेज रिपोर्ट। तो ग्रीस ने क्या किया है? ग्रीस नीड टू वर्क हार्डर टू कॉम्बैट इनटॉलरेंस ऑफ इट्स एलजीबीटी कमिटी एंड रोमा कमिटी। ये जो एलजीबीटी कमिटी है या गे कमिटी है या रोगा रोमा जिनको बोलते हैं, रोमा कम्युनिटी क्या है? व्हाट आर रोमा कम्युनिटी? रोमा कम्युनिटी का मतलब होता है कि वहां पे इनफैक्ट इसका ग्रीस वगैरह में जो रोमानी हुआ करते थे, रोमानी जिनको बोला जाता था, जिनको रोमानी को कोलोकियल में रोमा बोला जाता है, ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं, नोमैडिक पीपल होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बंजारे होते हैं एक तरीके से, यूरोप में, एंटोलिया में, इन सब जगह पर ये ज्यादातर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एंशियंट रोमन पॉपुलेशन एक तरीके से देखा जाए। वो अपना एथनिक आइडेंटिटी कहीं भी ऑफिशियल सेंसस में कहीं भी वो नहीं करते नहीं करते, ये नया टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं हमारा कोई कंट्री नहीं, हमारा कोई दोस्त देश नहीं है, हम सब जगह के हैं और सब हमारा है, ठीक है। तो यूरोप की अगर देखा जाए लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी कोई अगर है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, तो वह है रोमा, ठीक है। जी, चाइनीज फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर फेसेस लाइफ इंप्रिजनमेंट, जैसे हम लोग को इतना न्यूज नहीं जानना है। अच्छा, फोकस ऑन वैक्सीनेशन रिटर्न टू नॉर्मलसी, चाइना सीडीसी साइंटिस्ट, उन्होंने कह रहे हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे वैक्सीन जीरो कोविड स्ट्रेटेजी जो तो हमारी थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के हम इसी को इनफैक्ट इसके जरिए हम अपने चीज़ों को अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 2/3 को बूस्टर डोज भी मिल चुका है और बाकी दो डोज जो है वो सबको मिल गया, और वो कह भी रहे हैं कि हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, जबकि ऐसा देखा गया कि उनकी वैक्सीन बार बार फेल मार रही है। अच्छा, ईरान का इंटरनेट एक्सेस प्रोटेस्ट क्लेम्स 11 लाइफ, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें खास करके हिजाब बैन को लेकर के, इनफैक्ट हिजाब बैन नहीं, हिजाब को एक एक विमेन थी जिसने हिजाब पहना हुआ था
और हिजब को ढंग से नहीं पहना हुआ था ये कह के उसको अरेस्ट कर दिया गया था, और वो शायद उसके डिटेंशन में उसकी शायद डेथ हो गई ऐसा कुछ हुआ। तो अब देखो ना, दो देश, इंडिया को देख लो और ईरान को देख लो, ईरान इस्लामिक नेशन है, वहां पर हिजब को ढंग से ना पहनने के लिए सजा दी जा रही है, और वहां की वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें इससे आजादी दो, और इंडिया में ये वुमेन से प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है कि हिजब हमको पहनने दिया जाए। तो अब ये बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन आ गया है देखने को वर्ल्ड में। During six straight nights of protest, women demonstrators have finally taken off their headscarves and burned them in bounties, or symbolically cut their hair before cheering crowds. Video footage spread on social media has shown that. So, अब ये कहीं ना कहीं एक liberation का protest है। आज ठीक है, Islam is a very good religion, but चाहे Islam हो, चाहे Hinduism हो, चाहे Christianity हो, हर religion को ये समझना होगा कि time is changing and women are accepted as citizens, as equal citizens in other issues. तो यहाँ पर उनके पहनावे को कैसे हम गाइड कर सकते हैं, उनके 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 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मिस्टर से बोलने कोशिश किया है करने की। अच्छा, साउथ कोरियन लीडर्स यूएस सिटीजन गोज वायरल, उनका माइक ऑन रह गया और उन्होंने गाली दे दी इसको। इनफैक्ट जो कांग्रेसमैन है वहाँ के यूएस के, वो गाली दे दी उसको, वो माइक में आ गया। अब देखो क्या होता है इसके आगे। एट यूएन, ज़ेलेंस्की डिमांड्स वर्ल्ड लीडर्स पनिश रशिया। रशिया के ऊपर की रशिया दानास्ताई कर रहा है, अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, उसको पनिश करने की जरूरत है, पूरा वर्ल्ड मिल करके उसको पनिश करो। कैथोलिक आउटनंबर्स प्रोटेस्टेंट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, क्योंकि अभी नया डेमोग्राफिक हुआ या सेंसस आया, जिस सेंसस में पता चला है, 2021 के सेंसस में पता चला है कि कैथोलिक्स का नंबर प्रोटेस्टेंट से ज्यादा हो चुका है आयरलैंड में। आयरलैंड जो कि इनफैक्ट यूके रूल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड जो पार्ट है उसकी बात हो रही है। अच्छा, रूपी स्लाइड टू न्यू लो। अब वहां पर फेड के रेट, जो फेडरल बैंक है उनका, उसके रेट सब चेंज होंगे, जैसे आरबीआई रेट चेंज करता है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वैसे रेट चेंजेस हुए वहां पर, रेट बढ़ा रहे हैं। तो जब रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपकी रुपी हमेशा कमजोर होगी ही होगी। तो आपकी रुपी कमजोर हो रही है, अभी आने वाले दिनों में और भी हमें अपने रुपी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फेडेक्स जो है ना, वो फेडरल रिजर्व जो है ना, वो 75 बेसिस पॉइंट अभी कम किया है, अभी आगे उसको और बढ़ाया है, इनफैक्ट अभी और उसको बढ़ाने की उम्मीद है कि 125 बेसिस पॉइंट से और बढ़ाएगा, 75 बेसिस पॉइंट से अभी उसने बढ़ाया है। टोटल वो ले जाएगा 4.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके जाएगा। तो जब भी ये रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट इंडिया को झेलना पड़ता है इसका, क्योंकि वहां का बहुत सारा पैसा यहाँ लगा हुआ है। वी कुड ऑल्सो विटनेस अ रिवर्सल ऑफ एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है वो रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से आउटफ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनको सही रेट यहाँ नहीं मिल रहा, बल्कि इससे ज्यादा कमाई उनकी यूएस में हो जाएगी, इसलिए यहाँ से वो निकाल सकते हैं अपना पैसा। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही